ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे? फाइनेंशियल, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा था हम लोगों ने, और आपका फाइनेंशियल बिजनेस भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी देख लिया। एक बार थोड़ा सा हम लोग फटाफट फिर रिवाइज कर लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल इज माय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी एनालाइज ऑफ द मनी इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि पैसे को बिजनेस में, कंपनी में पैसे की व्यवस्था करना, सही ढंग से उसको इन्वेस्ट करना हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी अगर हमें प्रॉफिट होती है, बिजनेस है तो प्रॉफिट होगी, प्रॉफिट होती है, उस प्रॉफिट को किस तरह से हमें यूटिलाइज करना है, किस तरह से हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किधर इन्वेस्ट करना है ताकि हमारी प्रॉफिट बढ़े, शेयर में लगाएं या कहीं म्यूचुअल फंड में कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करें ताकि हमारी प्रॉफिट बढ़े, ये उद्देश्य आपका होता है, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके बेटा, अब नेक्स्ट आता है आपका रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रोल क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है उनका, उनकी एक उनका रोल यानी उनकी एक एक डिसीजन पूरी कंपनी को क्या करती है, कंपनी पूरी निर्धारित रहती है उनके ऊपर, कंपनी लॉस में भी जा सकती है उनके एक गलत डिसीजन पर, और उनके एक डिसीजन पर कंपनी पे प्रॉफिट में भी कंपनी जा सकती है। ओके, रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या रोल होते हैं उनके? पहला देखो क्या लिखा है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि हमें फिक्स्ड एसेट्स को कितना बढ़ाना है ये कंपनी पर डिपेंड करना है, करता है कि हम कंपनी में कितना फिक्स्ड एसेट्स रखें, कितने फिक्स्ड एसेट्स हम बढ़ा दें इसमें, वो कंपनी के फाइनेंशियल पर स्थित निर्भर करता है। अमाउंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट्स, यानी कि हम कितना पैसा करेंट एसेट्स में लगा दें, कितना कैश में रखें, कितना इन्वेंट्री रखें, कितना बिल्स पेमेंट हमको देना है, ये किस पर निर्भर कर रहा है, हमें बिल का पेमेंट कितना देना है, हमें इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक हमें कितना रखना है, ये किस पर निर्धारित रहता है, हमारे फाइनेंस पर डिपेंड करता है कि हमारी फाइनेंस कितनी हुई है, उस पर निर्धारित करता है कि हम कितना रखें, ये भी मेन रोल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड, यानी कि हमें जो प्रॉफिट हुई है अगर ज्यादा हुई है तो हम क्या करेंगे, उसको लॉन्ग टर्म में डालेंगे, यानी डिबेंचर में ले लेंगे या कहीं लॉन्ग टर्म पैसा उसको हम इन्वेस्ट कर देंगे। ओके, या अगर कम है तो हम ज्यादा दिन तक पैसे को नहीं इन्वेस्ट कर सकते, हम उसे शॉर्ट टर्म में लगा देंगे। क्लियर ना, ये हमारा डिपेंड करता है हमारे फाइनेंस पे। फिर उसके बाद आता है ब्रेकअप एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इन डेट एंड इक्विटी डेट, यानी कि हम पैसे को शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए लगा दें या डिवेंचर में लॉन्ग टर्म के लिए लगा दें, वो भी हमारा निर्धारित करता है किस पे, फाइनेंस पे निर्धारित करता है कि हम अपने इस पैसे को लॉन्ग टर्म में डाल दें या शॉर्ट टर्म में डाल दें, शेयर में डाल दें या डिवेंचर में डाल दें, ठीक है ना। ओके, ये निर्धारित करता है हमारे फाइनेंशियल पोजिशन पर। क्लियर है, देख लो बेटा इसके चार रोल हैं।